What's up everyone? I'm back, but this time I'm back with A35, one of the oldest veteran Dota players. So, janta ko ek baar introduce to kar do. Hi, my name is Darshan Bata. I'm also known as A35 and I play the offlane role for Global Esports. First of all, congratulations brother. Aapne top 4 mein jagah bana li hai. Now you will be fighting for that trophy. Mm-hmm. So, full plan, taiyari hai? Yup. Jitni ho sakti utni kar li hai. So let's start. Phase 1 thoda weak performance tha. Phase 2 ke andar aapne bahut acha khela. Kuch changes? Actually, hum log ek newly formed team the wo time pe. So hum log kind of experiments kar rahe the. Ki kaun se draft, kaun se picks hum log ke liye acche ho sakte hain aur bond bhi kar rahe the saath mein. Don't you think phase 1 was about bounty? Bounty, free money. So wo aapke experiment ke karan skip ho gaya? Nahi, actually hum log sab cheezon pe work kar rahe the. So वो रिजल्ट्स भी दिखी गए फेस टू में उसके. अब हम फाइनल में आ चुके हैं, आपके साथ तीन टीम्स और हैं. लगता है कि कोई मिस हो गया, कोई और भी आ सकता था? टास्कर्स टाइटंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. वो लोग में शायद कुछ इश्यूज थे, इसके लिए वो लोग डिसबैंड हो गए, पर वो आ सकते थे. कोई थॉट्स, कोई राइवलरी कुछ है चल रहा अभी? राइवलरी तो कुछ नहीं है, पर अच्छा मैच होगा. अकॉर्डिंग टू यू एंटिटी का बैकबोन प्लेयर कौन है जो गेम बहुत संभालता है? सभी प्लेयर्स अच्छे हैं एक्चुअली एंटिटी के, ऐसा कोई स्टैंड आउट नहीं करता, तो एज अ टीम ही अच्छे है वो. ऑफलाइन ज्यादा कॉन्फिडेंट रोल है आपका या वो सपोर्ट ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ज्यादा कॉन्फिडेंट ऑफलाइन ही है क्योंकि मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और ऑफलाइन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज. ऑफलाइन का कोई ऐसा प्लेयर जिससे आपको पता है अगर वो मेरे हाथ में आ गया ड्राफ्ट में तो ऑलमोस्ट अपनी टीम के 50% विन तो मैं ही दे दूंगा? बहुत सारे, मतलब वो आते ही इजी विन. नेम एनी प्लीज. जैसे सामने वाले बैन कर सकते टिम्बर, पैंगोलियर, ये मतलब आते ही बाटा ओपी. सो देयर वाज अ टाइम आपने जितने भी इवेंट खेले आपको सेकंड पोजीशन से काम चलाना पड़ा. अब आप जी में आ चुके हैं, जी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, तो आपको नहीं लगता है कि अब ये प्रेशर होने वाला आप पे, आपको एक अपने साथ एक ब्रांड नेम को भी कैरी करना है? मुझे लगता है हमारे टीम में एक्सपीरियंस और यंग टैलेंट का दोनों का मिक्सचर है और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जैसा बड़ा ब्रांड भी है, तो मुझे लगता है कि ये हम लोग बहुत आगे लेकर जा सकते हैं और हमारा टारगेट फिलहाल ऐसी रीजन में कुछ करना है, तो इंडिया एक स्टेपिंग स्टोन टाइप है हमारे. ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सी का सोचा जा रहा है बिकॉज वहाँ पे असली आपका मेटल चेक होता है. यानी काफ़ी मोटिवेशनल और सीरियस टॉक हो गई बाटा जी आपके साथ. एक पीजे मोमेंट हो जाए, पीजे मोमेंट जो मेरा स्पेशल है. अगर ये जो फार्मर लोग हैं किसान, अगर ये ट्रैफिक में फंस गए तो इसे क्या बोलेंगे? किसान जान, इट्स सिंपल भाई, रस्सी दे दो भाई. नहीं नहीं, वी डोंट, हम ऐसी कोई सपोर्ट नहीं करते, ये रस्सी से तापने वाले थे. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना टाइम निकाला था हैवी शेड्यूल से. बट जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपके सारे फैंस को, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त आपको. चाहूंगा सब आए ESL में और हम लोगों को सपोर्ट करें ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को. जय ग्लोबल. सो ये थे हमारे दर्शन बाटा जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारी बातें करी डोटा को लेकर. सो जय ग्लोबल के साथ आई विल बी कमिंग बैक एक नए प्लेयर के साथ, तब तक के लिए चीयर्स.